हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो जलाइए। यूपी के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद पर एक बार फिर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। इस बार पुलिस ने खुद उनके वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सिहानी गेट थाना गाजियाबाद के पुलिस उप निरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह गुरुवार 3 अक्टूबर को लोहिया नगर चौकी इलाके में गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें मालूम चला कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महंत यति नरसिंहानंद एक धर्म विशेष के खिलाफ बेहद सख्त और आपत्तिजनक भाषण दे रहे हैं। पुलिस ने वीडियो में चल रहा भाषण सुना तो तुरंत इसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान मालूम चला कि 29 सितंबर को अमर बलिदानी मेजर आसाराम व्याग सेवा संस्थान के नाम से गाजियाबाद के हिंदी भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महंत यति नरसिंहानंद बतौर मेहमान पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो पहले श्री रामायण के पात्रों का हवाला दिया और उसके बाद दूसरे धर्म को लेकर भड़काऊ बयान देने लगे। इस दौरान वहां बैठे लोग वाह वाह करते और तालियां बजा रहे थे। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा, मैं तो बैरल कर रहा है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर जलाइए। एसीपी नंदग्राम पूनम मिश्रा ने बताया कि उप निरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह की शिकायत पर महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर की कॉपी भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। 302 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव में वीडियो का सबूत भी पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महंत यति नरसिंहानंद पर पिछले साल अक्टूबर में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने यूपी के सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। उसके और एक साल पहले साल 2022 में भी गाजियाबाद के मसूरी थाने में महंत पर मामला दर्ज किया गया था। उस समय उन पर प्रधानमंत्री और अन्य महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का इल्जाम लगा था। इतना ही नहीं, महंत यति नरसिंहानंद पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। अब देखना होगा गाजियाबाद पुलिस इस दिशा में कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई करती है।